कहानी दो बूढ़े दोस्त। कुछ साल पहले की बात है, भीमपुर के गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था श्यामलाल और दूसरे का नाम था चुन्नीलाल। इन दोनों के घर अगल बगल में थे। दोनों किसान थे और अपनी अपनी खेती संभालते थे। श्यामलाल अपनी खेती में दूधी उगाता था और चुन्नीलाल अपनी खेती में गाजर उगाता था। दोनों खूब मेहनत करते और सब्जी बेचकर पैसे कमाते। उन पैसों से वो खाने पीने का सामान लाते, अपने लिए कभी नए कपड़े लाते तो कभी नए चप्पल। शाम को खेती का काम हो जाने के बाद रोज की तरह श्यामलाल और चुन्नीलाल नदी के किनारे मिलने आते हैं। श्यामलाल नदी के किनारे छोटे पत्थरों पर बैठा नदी और पहाड़ों को देख रहा होता है। पहाड़ों से गिरते खूबसूरत झरने को देखते हुए वो खो जाता है। इतने में चुन्नीलाल दूर से चला आता है और श्यामलाल को आवाज लगाता है। ए श्यामू, मैं आ गया। श्यामलाल अपने दोस्त की आवाज सुनकर पीछे देखता है और उसे कहता है, आओ चुन्नीलाल, बैठ जाओ। चुन्नीलाल आकर श्यामलाल के एक पास वाले पत्थर पर बैठ जाता है। पता है श्यामलाल, आज मैंने गाजर की फसल काटी और बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाए। मेरी महीनों की मेहनत सफल हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है चुन्नीलाल, बहुत खुशी हुई ये जानकर मेरे दोस्त। श्यामलाल चुन्नीलाल के पीठ पर हाथ रख के शाबाशी देता है। धन्यवाद श्यामलाल, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला है जो मुझे हमेशा हौसला देता है। अरे कोई बात नहीं चुन्नीलाल, मुझे अच्छा लगता है जब तुम अपने काम में सफल होते हो। ऐसा कहकर श्यामलाल मुस्कुराता है और जवाब में चुन्नीलाल भी मुस्कुराता है। अच्छा, इस बार तुम्हारी दूधी की फसल कैसे रही श्यामलाल? फसल तो बहुत अच्छी हुई और लोगों ने बाजार में इसके अच्छे दाम भी दिए। सच? यानी आज हम दोनों को अपनी अपनी फसल के अच्छे फायदे मिले हैं? हे भगवान, तेरा धन्यवाद। दोनों ने कुछ समय और साथ बिताया और रात होते ही अपने अपने घर चले गए। इसी तरह काम हो जाने के बाद रोज शाम को वे दोनों नदी के किनारे बैठ जाते और खूब बातें करते। श्यामलाल और चुन्नीलाल दोनों बचपन से पड़ोसी थे। इनके माता पिता भी खेती करके पैसे कमाते थे। इनकी दोस्ती बचपन में हो गई थी क्योंकि ये दोनों अपने अपने माता पिता के इकलौते बच्चे थे। दोनों की उम्र में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। इनकी दोस्ती की गांव में मिसाल दी जाती थी। इसी तरह सालों बीत गए। दोनों की उम्र बढ़ती गई और मेहनत करने की शक्ति कम होने लगी। देखते देखते दोनों बूढ़े हो गए। एक शाम दोनों साथ बैठकर बात कर रहे थे। अब तो हम कितने बूढ़े हो गए हैं, खेती करने में हमारी उम्र बीत गई। सही कहा श्यामलाल, खेती करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। अब हम कमजोर हो गए हैं, पर पैसे कमाने के लिए खेती अब भी करनी होगी। श्यामलाल, अगर हमारी पत्नी या बच्चे होते तो अच्छा होता। हम काम में इतने मगन हो गए थे कि हमने सोचा ही नहीं कि शादी कर लेनी चाहिए। बूढ़े होने पर बच्चे हमारा सहारा बनते। सही कहा चुन्नीलाल, लेकिन अभी हमारी उम्र बीत चुकी है। अगर हमें गुजारा करना है तो काम करना होगा। मानता हूँ हम में पहले जैसी शक्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा काम तो कर ही सकते हैं। श्यामलाल ने चुन्नीलाल को मुस्कुराते हुए ऐसे कहा। चुन्नीलाल ने इशारे से अपनी सहमति दिखाई।
उसके बाद दोनों अपने घर चले गए। श्यामलाल अब भी खेत में जाता और जितना हो सके मेहनत करता, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते। चुन्नीलाल खेती में तो जाता, लेकिन वहां सारा दिन बैठकर दुखी होता रहता था और अपने आप से कहता था कि काश मुझे कोई संभालने वाला होता। इसी सोच में उसका सारा दिन गुजर जाता और वो दिन के अंत में कोई पैसे नहीं कमा पाता था। एक रोज श्यामलाल और चुन्नीलाल शाम को मिले। श्यामलाल थका हुआ नजर आ रहा था, पर फिर भी खुश लग रहा था। चुन्नीलाल उदास था क्योंकि उसने कोई पैसे नहीं कमाए। श्यामलाल को खुश देखकर चुन्नीलाल ने पूछा, क्या बात है श्यामलाल, आज काफी खुश लग रहे हो। हाँ चुन्नीलाल, मैंने आज थोड़े से पैसे कमाए हैं, इसीलिए मैं काफी खुश हूँ। मेरी मेहनत पहले से कम है, लेकिन मैं सुखी हूँ कि गुजारा हो जाता है। हाँ, जानकर खुशी हुई कि तुम्हारी मेहनत सफल हुई। चुन्नीलाल इतना कहकर फिर से उदास हो गया। धन्यवाद चुन्नीलाल, पर तुम उदास क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है? मैं दुखी इसलिए हूँ कि मैंने खेती में कोई काम नहीं किया। बस सोचता रहा कि काश कोई मुझे संभालता, और इसलिए मैंने कोई पैसे नहीं कमाए। ये सुनकर श्यामलाल ने कुछ सोचा और फिर कहा, उदास होने से कुछ नहीं होगा चुन्नीलाल, मेरे पास एक उपाय है। वो क्या? मैं कल तुम्हें खेती में मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर श्यामलाल अपने घर की तरफ चला गया। चुन्नीलाल सोच रहा था कि उसके दोस्त के पास क्या उपाय होगा। कुछ समय सोचने के बाद वो भी अपने घर चला गया। अगले दिन श्यामलाल अपना काम जल्दी जल्दी कर लेता है और उसके बाद चुन्नीलाल के खेत में आ जाता है, उसकी मदद करता है। ये देखकर चुन्नीलाल बहुत खुश हुआ और उसने भी दुखी होना छोड़कर खेत में काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक श्यामलाल इसी तरह हर रोज चुन्नीलाल के खेत में मदद करता रहा। चुन्नीलाल ने फिर से थोड़े से पैसे कमाना शुरू कर दिया। जानते हो, मैं इतने दिनों से दुखी होता रहा ये सोचकर कि मेरे पास मुझे संभालने के लिए कोई नहीं। वैसे तो तुम्हें भी संभालने वाला कोई नहीं है श्यामलाल, पर फिर भी तुम अपनी शक्ति के अनुसार काम करते हो और थोड़े से पैसे कमा लेते हो। अब मैं भी दुखी नहीं होऊंगा, मुझसे जितनी मेहनत होती है करूंगा और अपना गुजारा करूंगा। अपने मन की बात बताकर चुन्नीलाल ने श्यामलाल को गले लगाया और कहा, धन्यवाद श्यामलाल, तुमने मेरी मदद करके बहुत अच्छा किया। श्यामलाल भी खुश हुए ये सोचकर कि अब चुन्नीलाल भी पैसे कमाएगा। मेहनत करने से सफलता जरूर मिलती है, सिर्फ दुखी होने से किसी भी मुश्किल का अंत नहीं होता।